भाई साहब, क्या नाम है आपका? राकेश है जी। राकेश जी, ऐसे जानना चाहते हैं इस जगह का नाम क्या है? ये बाबा मोहनराम गौशाला है, काली कोड़ी धाम। ये बाबा मोहनराम का मंदिर है, यहाँ उसी के नाम से गौशाला खोली गई है। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि आपके गौशाला में कितनी गायें हैं? इसमें गौशाला में 900 गायें हैं सर हमारे जी। हाँ सर, 900 गायों की सेवा कैसे चलती है, कैसे? भाई हमारे यहाँ पब्लिक के दान से ही हमारी ये सेवा होती है जी। जो पब्लिक 10 रुपये, 5 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपये जो दान में दे के जाते हैं, उसी से हमारे गाँव की सेवा होती है। हाँ सर, तो इस गाय को सुना है कि आप बाहर से जो सड़कों पे छोड़ जाते हैं, आप यहाँ लेके उनकी सेवा करते हैं, उसे पालते हैं? वो हमारे पास पुलिस वाला है, कोई बजरंग दल वाले हैं, वो हमारे पास छोड़ के जाते हैं जी। ठीक है, और वो सेवा हम करते हैं इनकी। कोई कटी पीटी भी आ जाती है, हम उसकी हर तरह से उनकी सेवा करते हैं जी। हाँ जी, असि जानना चाहते थे सर, ये बाबा मोहन राम जी जो जगह है, हाँ जी, ये कितने 100 साल पुरानी होगी? भाई ये कम से कम जी 1000 साल पुराना है। 1000 साल पुराना। हाँ जी, असि जानना चाहते थे कि क्या हिस्ट्री क्या है यहाँ की? हिस्ट्री है, बाबा ने यहाँ दर्शन दिए थे, इसमें गुफा है अंदर बाबा जी के पहाड़ों में, और यहाँ भक्ति करते थे, और इनमें से गाय निकल के आती थी, नंदू भगत जी होते थे, और उसी की गाँव में जली जाती थी वो गायें भी, और हर रोज वो गिनती करते थे। वो सुबह तो वो ज्यादा हो जाती थी एक गाय, और शाम को एक गाय घट जाती थी जब वो चलता था यहाँ से गांव की तरफ। अच्छा, वो गाय के पीछे पीछे एक दिन उसमें चला गया देखने, और बाबा जी ने उसे आवाज लगाई, भाई नंदू जी अंदर आ जाओ। अच्छा, हाँ, उन्हें सोचा नंदू ने तो मेरा नाम भी जाना, तो इसीलिए उसी के नाम से, बाबा मोहन राम के नाम से प्रसिद्ध है। और उसने उसको 3 वरदान भी दिए थे। कौन कौन सा प्रदान था? वरदान दिया था कोड़ी को चाणचर, जैसे कोड़ लग जाता है इस पे आने से कोड़ ठीक हो जाता है। अच्छा, बांझ लुगाई है, बांझ लुगाई यहाँ आने से उसको पुत्र और पुत्री जो भी है वो हो जाती है। अच्छा, ठीक है जी। और एक निर्धन जिसकी आंख चली जाती है ऑटोमेटिक एकदम से जी, वो यहाँ आने से उसकी आंख आ जाती है, चल जाती, ठीक है। अच्छा, कितने धर्मशालाएं इधर बनी है? इधर कम से कम जी 250 करीब 300 धर्मशाला बनी हुई है, गांव में भी है, मिलकपुर गांव में, और यहाँ पे भी है। पहले वहाँ धोख खाई जाती है, फिर यहाँ आना पड़ता है जी। हाँ जी, तो ये सारी धर्मशाला के अंदर गौ माता का ही पूजा होती है, उनको संभाला जाता, देखा जाता। ये गौशाला अलग बनाई गई है बाबा मोहन राम के नाम से जी, और उसी के नाम से ये चलती है। अच्छा, ठीक है जी, उसी के नाम से चलाई जाती है। और अपना जो ये धर्मशाला, ये पब्लिक के रुकने के लिए, सब ये रुकने के लिए। हाँ सर, ये जो धर्मशाला बनी है जिसमें काफी लोगों ने सेवा की। हाँ जी हाँ, इसमें दिल्ली से भी कुछ लोगों ने सेवा की। हाँ, सभी कर रहे हैं इसमें तो जी, दिल्ली से हो, गुड़गांव हो, भिवाड़ी हो, कहीं से भी हो, सभी सेवा करते हैं धर्मशाला में। हाँ जी, और सुना है कि जब भी कोई मेला भारी लगता है तो अच्छा दान दे के जाते हैं, गाय के लिए भी करके जाते हैं, और पशुओं के लिए, सारा जानवरों के लिए, और सब कुछ उनके खाने का प्रबंध करके जाते हैं। हाँ जी, सेवादार आपने रखे हुए? हमारे पास ग्वालिया है, गन्यार गिरने वाले हैं, वो 10-15-20 आदमी हमारे पास काम करते रहो, काम करते हैं। हाँ, तो उनकी देखभाल करते हैं आप, उनको देखभाल करते हैं आप, देखते हैं? हाँ, ये हमारे बाबूजी हैं, ये मालिक हमारे गौशाला के, ये पूरी देखभाल, न्यार मंगवाना, खड़ मंगवानी जो भी है, सब ये हमारे करते हैं मालिक। बाबा जी, क्या नाम है आपका? नाम तो जी सुंदर है। सुंदर जी, ऐसे जानना चाहते हैं भी, जब आप यहाँ हैं, आप इस चीज को देखते हैं, लोगों को आप क्या अपील करना चाहते हैं दान के लिए? दान के लिए मैं तो यही कहता हूँ सब जी, हाथ जोड़ा तो जो गौ माता का धर्म पुण्य बन जाए। हमारे यहाँ बाबा जी राज रहता है, गऊ होता है, और गौशाला बनी है बाबा जी का नाम थे, बाबा मोहन राम गौशाला, इस वजह से ये चल रही है, आराम से जनता दान दे रही है, और जितना बने सहयोग वो देवे ज्यादा से ज्यादा, जो इनकी छाया बन जाए, पक्को हो जाए तलाते, बस ये है। तो कब से सेवा गौ माता की आप करते हैं? मैं 2005 से चल रही है गौशाला, तो जी जब से कर रहा, तब से कर रहे हैं। हाँ, कितनी गौ आपके पास? 800-900 होगी, गिनी नहीं आई इतनी गाय माता इधर। हाँ है,
और भी जब बाहर से आती तो आप उसको संभालते, कहीं फटड़ भी आती है? जैसे कोई आ जाती है उसकी करवाते हैं, डॉक्टर रखा, ग्वालिया है, सेवक है, यहाँ घना ही है, ऐसी कोई बात। क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? लोगों को यही संदेश देना चाहूँ, जो उनसे बने, जैसे दान में पैसा डालने की बजाय घूस गिरवाए जाए या खड़ गेर जाए, और जो उनसे बने वो दे ही रहे हैं, देता रहे। ये जितनी भी ये हवेलियाँ ये बनी हैं, सराय बनी हैं, दिल्ली के या बाहर के किन किन लोगों की सेवा से बनी है? ये ऐसा है जी, सब नहीं बनाई है, ये जो धर्मशाला जिसमें मैं खड़ा हूँ, ये तो एक वहाँ का है, मोड़ लड़बंद का है, सिरचंद चौकन जी, उसने नीचे गायक के लिए बनाई, ऊपर जनता के लिए बनाई, जनता। और जो है ये सब आप जैसे नहीं बनाई है, सेठ लोग गए ना, एक ही जगदीश ने तूड़ा का हॉल बना दिया, कहीं बाउंड्री में सहयोग कराया है सबने, सबने सहयोग किया। सबका सहयोग से हो रही है, एक का से नहीं। हम ये चाहते हैं सर, हमारी गौशाला के लिए, बाबा मोहनराम गौशाला है ये, कोई भाई भी, हम तो हाथ जोड़ के सबसे विनती करते हैं, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये दान करें यहाँ पे, और उनको ये सहयोग जरूर देवे, इनकी छाया के लिए, इनके पक्के के लिए, इनके भोजन के लिए, जो भी सर दोवे, कोई जन्मदिन करे, कोई शादी करे, कोई 1000 दो, 1100 दो, जो भी इच्छा है वो हमारी गौशाला के लिए जरूर देवे, इतना हम कहना चाह रहे हैं जी। 98 87 62 18 12 ये हमारा गौशाला का नंबर, ठीक है, वो 10 रुपये डाल लो या 20 डाल लो, जितनी श्रद्धा है, ये भी नहीं है कोई ज़्यादा ना भाई, कोई जन्मदिन करे, किसी के बच्चों या कहीं और दे रहे हैं, बहुत खर्चे करते हैं, वो थोड़ा गौशाला के लिए भी दान करें भाई। उसमें क्या है, फोन पे भी कर सकते हैं, गूगल पे भी कर सकते हैं, जो भी इस नंबर पे हमारे होगा गौशाला के लिए, अगर इच्छा होगी उनकी भाई अपने हाथ से देना, तो खड़ घेरो, तूड़ा डालो, कुछ भी डाल सकते। किसी तो नहीं आ जाए बाबा जी के, तो भी आ जाए या मैं पैसा डाल दे, बाबा जी भाई, ठीक है सर, यही हमारी सब लोगों से रिक्वेस्ट है।